पंजाब में ना खालिस्तान बना था, ना बना है, ना बनेगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। मन में बंदे मातरम, तन में बंदे मातरम, शरीर के चलते हुए खून में बंदे मातरम। खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना हमें, चीख भी निकलेगी निकलेगी, बंदे मातरम, बंदे मातरम। हमारे असली हीरो और मेरे बड़े भाई, जिनका मेरे छोटे और बड़े भाई का रिश्ता, मैं इनका छोटा भाई हूं। दिल्ली के हीरो, हिंदुस्तान के हीरो, यूपी के हीरो, असली हीरो श्री मनोज तिवारी। और जब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा नजर आता है, फिर कोई ना पार्टी होती है ना पॉलिटिक्स होती है। जैसे मनोज तिवारी जी ने बताया, सवाल ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना सीपीआई, ना अकाली दल, ना समाजवादी, ना पीएसपी, प्रथम राष्ट्र जिसके अंदर हम समाये हुए हैं। एक वो माँ जो बड़े बड़े बहादुर योद्धों को जन्म देती है और सरहदों पे आपके लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को बचाने के लिए सीने पे गोलियां खाते हैं। एक वो माँ जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को अपने आंचल में समा के रखती है और उसके साथ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा नजर आता है। एक वो माँ की रक्षा, वो 370 धारा जो हिंदुस्तान को कई वर्षों से पीड़ा दे रही थी। हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बही। आज वो चीज जो हमें, पूरे हिंदुस्तान को पीड़ा दे रही थी, उसको जड़ से उखाड़ के रख दिया। 370 उदारा उठा करके संविधान एक, देश एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा एक और भारत एक, 370 धारा को हटा के कर दिया। मेरे नौजवान दोस्तों, आपका फ्यूचर क्या है, हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हम आज नहीं तो कल जाना है, पर अपनी जो नई जनरेशन है, इनको कौन सा फ्यूचर देना है, इनको कौन सा रास्ता देना है? क्या इनको बम्बों गोलियों का रास्ता देना है, क्या इनको बंदूक का रास्ता देना है? नहीं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातरम, इस राष्ट्र को कमजोर कर नहीं सकता। यह हमारा एक असूल होना चाहिए। काले इमरान खान ने धमकी दी हिंदुस्तान को, हम परमाणु चलाएंगे। हम उसको आज कहना चाहते हैं, पाप तेरा खाप, एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। उनकी ऐसी पाकिस्तान की उनकी हिम्मत नहीं, ये आज का भारत है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लक नहीं, मेरा तिरंगा झंडा से प्यार है, मेरा वंदे मातरम से प्यार है, मेरा भारत माता से प्यार है। ये आज का भारत नहीं है, ये कल का भारत नहीं, आज का वो नया भारत है। पाकिस्तान से एक भी गोली चलती, 100 गोली का जवाब दिया जाता है। हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान में भी कोई आम आदमी हो, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, किसी का बहन का सुहाग नहीं उजड़ना चाहिए। हम शांति चाहते हैं, पर अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हिंदुस्तान तैयार खड़ा है। कश्मीर लेने के लिए हम तैयार खड़े हैं। आने वाला भारत आपको एक ऐसा भारत मिलना चाहता है, एक ऐसा भारत देना चाहता है कि आप तरक्की करें, आप आगे बढ़े, आपके हाथ में कलम हो, आपके हाथ में कंप्यूटर हो, आप एक अब्दुल कलाम की तरह अच्छे शैक्षिक बने, आप किरण बंदी बेदी की तरह एक अच्छे ऑफिसर बने, आप कल्पना चावला की बने, आप भारत माता का नाम ऊंचा करें, ये आने वाला भारत चाहता है। भारत राजनीतिक में आकर के आप लोगों को उकसाना नहीं चाहता,
आप लोगों को तोड़ना नहीं चाहता। इस भारत में जन्म लिया है, इस भारत की मिट्टी में समाना है, कोई भी कहां भी हो हम सब एक हैं, वही नारा हमें देना चाहिए। आज जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग 370 धारा का विरोध करते हैं, उनको ये कहना चाहूंगा, वो कवि प्रदीप जी का गाना, एक कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए करदारों से, ये राष्ट्र एक है, ये राष्ट्र एक रहेगा। हमें आज प्रथम राष्ट्र के लिए काम करना है, हमें राष्ट्र को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी जी हो सकते बीजेपी के, अपना कोई उससे मतलब नहीं, पर किसी व्यक्ति ने अगर मौत का कफन बांध करके आपके लिए, राष्ट्र के लिए 370 धारा को खत्म करके, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अगर अच्छा कदम उठाया है, हर तरीके से उस व्यक्ति से खड़े हैं और कभी भी उनको इस मुद्दे पे कमजोर नहीं होने देंगे। और आखिर में आपसे फिर वादा करके जाता हूं, नौजवान दोस्तों के साथ हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राष्ट्र एक रहना चाहिए। पंजाब में ना खालिस्तान बना था, ना बना है, ना बनेगा, हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। अरे ये जो कहते हैं हम वंदे मातरम का नारा नहीं बोलेंगे, ये कौन है, ये ओबीसी एबीसी, इसको क्या देना चाहते हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज के इतिहास के खूनी पन्नों को खोलने की कभी कोशिश मत करना। यह पगड़ियां मौत के कफन है, यह पगड़ियां इसलिए नहीं पहनी जो हमारे राष्ट्र की तरफ देखेगा, जो हमारे राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। औरंगजेब बनने की कोशिश मत करो, जो कहते वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, अकबर बनने की कोशिश करना। कितनी बड़ी शहादत थी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, उनके बच्चों साहबजादों ने, गुरु तेग बहादुर महाराज ने, उनके कई साहबजादों ने हजारों कुर्बानियां दी। क्या कुर्बानियां पंजाब के लिए नहीं दी थी? कुर्बानियां दी थी हिंदुस्तान के लिए। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर महाराज, क्या कहा जाता था, हिंद की चादर। और ये खालिस्तान की बातें करने वाले कहते हैं पंजाब, अरे पंजाब नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हम सबका है और आपका भी पंजाब है। आतंकवाद के जमाने लग गए, आतंकवाद के जमाने अब खत्म हो गए। मैं सबको, उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनके हाथ में बंदूकें हैं, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे वो खालिस्तान की बातें करने में 5 आदमी हो, अपने रास्तों को बदलने, एक नया भारत बनाए, एक नई सोच बनाए, इन फ्यूचर के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके माता पिता, इनके परिवार खून पसीने की कमाई से बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चों का रास्ता हो गलत हो, हम चाहते हैं ये बच्चे आने वाले टाइम पे अब्दुल कलाम बने, ये बच्चे आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान का इतिहास बने, ये बच्चे आने वाले टाइम पे सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की सोच पे चले। इन्हीं सोच के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए फिर वादा करके जाता हूँ, भारत माँ तेरे चरणों में सिर चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।